बाइकें खराब हो जाए और ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ हो ही ना, तो क्या करें इंसान। हाँ। और हमारा शहर पूरी तरीके से चालू हो चुका है, बंद भी हो गया। आप वैक्सीनेटेड तो हम प्रोटेक्टेड, आई एम वैक्सीनेटेड, योर कोविड शॉट। मौसम कितना अच्छा है। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं इंदौर से दिल्ली हमारी कार में। नहीं, मैं जा रहा हूँ दिल्ली एंड आई एम बोर्डिंग ए फ्लाइट ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 ईयर्स टुडे, बिकॉज मेरे बचपन के दोस्त हिमांशु की शादी है। पेंडेमिक काइंड ऑफ वेडिंग, पता नहीं कैसे होने वाली है। पहली बार मैं कोई कोविड के टाइम पर शादी अटेंड करने वाला हूँ एंड पहली बार मैं फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ। लिटिल स्केयर्ड, लिटिल एक्साइटेड। प्लीज़ कमेंट में लिखना कि आपने मास्क नहीं पहना है। अभी मैं कार में हूँ, अभी मैं डबल मास्क पहनूंगा, ग्लव्स पहनूंगा और पूरी सिक्योरिटी के साथ अंदर जाऊँगा। This is the sanitization station. I've reached Delhi and I am introducing my brother on my channel for the very first time. Yeah, yeah, सब वाले गलत नजर से देखने लगे थे मुझे, चलो जल्दी। मैं एक घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। So आज काफी सारे दोस्त मिलने वाले हैं, हम लोग काफी टाइम बाद मिलने वाले हैं। Heading towards the venue now. So I've reached safely. It's time to remove this disposable mask. So I've reached the venue, that is Le Meridien in Gurgaon, Sector 26. Barat abhi tak nahi aayi hai, I mean Himanshu abhi tak nahi aaya, so I'm waiting for him. Aur I don't know who is calling. Mere man mein to bahut kuch aa raha hai batane ke liye about the room and the hotel. Aur fir mujhe yaad aaya ki ye mera kaam nahi hai, kyunki abhi main shaadi ke liye aaya hu apne dost ki, to main wo fun karne wala hu. Aur room main aapko dikha deta hu, ye hai yahan pe main aur Himanshu rehne wale hain, and I am just loving this view. My room is at 9th floor and I can see whole city from. I have one more subscriber in my list. What's your name? Harish. Harish. Hi Harish. It was really nice meeting you. Harish communicates really well and Harish is helping us. It was nice meeting you. Thanks. And so hope to see you soon. So finally Gwalior gang aa chuki hai hamari. Mr. Mayank Tiwari. Mr. Mayank Tiwari, Mr. Himanshu Singh and Mr. Rishabh Khare. Raja, kaisa lag raha hai aapko? Abhi to travel hoke aaya. Kya feeling hai? भाभी नहीं देखी इसलिए आप बेचैन है। इट्स हाई टी टाइम एंड वी हैव सम पकोड़ा सैंडविच। फाइनली एंड ग्रूम्स फोटोशूट इज गोइंग ऑन। चीयर्स। फाइनली टाइम टू गेट एंगेज्ड। कैसा लग रहा है आपको आखिरी टाइम बैचलर्स में? नर्वस। एंड व्हाट अबाउट द फेक शैंपेन? Fake champagne. I can feel the power, I can feel the power, feel the power.
Yeah, money, that is time and hour. Time and so, hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now. How are you? Who? You are in my vlog now, Aditi. Say hi. Hi, Aditi. You are getting married, so. पांच नहीं दो या तीन कुछ भी बता दो तो बैचलर्स की क्यों शादी करनी चाहिए तो यही है कि लाइफ का चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और बस और लाइफ की थोड़ी सी बाउंडेशंस जो थी वो खत्म हो जाएंगी थोड़ी सी बाउंडेशंस आ जाएंगी पार्टी थोड़ी कम हो जाएगी अरे यार अच्छी चीजें बताओ यार तो और क्या बताने मोटिवेट कर रहा है हां बोल रहा है अच्छी चीजें बता क्यों करनी चाहिए तू बोल रहा है क्यों नहीं करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए दिखा दे देख क्यों करनी चाहिए का एक ही रीजन है कि हमको करनी पड़ती है और कोई रीजन नहीं है दूसरा कि हमको करनी पड़ती है हां ये सही है ये लोगों की हुई नहीं है तब भी इनको ज्ञान पूरा हां बोलो बोलो शादी क्यों करनी चाहिए एक टिप है क्योंकि लाइक शादी करनी चाहिए वो करनी होती है बस एक लाइन और वो मन में बोल रहा है करनी पड़ती है करनी पड़ती है या करनी पड़ती है लो हमारे साथ में एक महिला सदस्य भी हैं आप बताइए अरे यार वी हैव अ प्रीटी लेडी विद अस यस लगन व्हाट डू यू थिंक क्यों शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए यार आई एम ऑन बोथ द साइड्स करनी भी चाहिए नहीं भी करनी चाहिए बिकॉज़ देयर आर फाउंडेशंस है शादी के बाद आप बताइए यू आर मैरिड ये तो भाई नहीं करनी चाहिए देयर आर मेरी फाउंडेशन नेवर अभी देखिए अभी को शेयर कर देंगे बट वंस मोर मैं कुछ इसमें समाइज और यहां पर हम शादी अटेंड करने आए हैं और यहां लगी सेशन वी हैव द एक्सपर्ट रिव्यूअर विद अस प्लीज इंट्रोड्यूस Hi, this is Ashan. We are trying to experiment with the beverages here. So let's see how it goes. It's pretty good. Hey, good morning everyone. आज 2 तारीख रात को सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था एंड अभी भी बारात वो सपोज टू लीव एट 9 बट अभी 8:45 बज गए हैं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि सब कुछ लेट होने वाला है एंड मेरी फ्लाइट है 2 बजे तो मुझे 12 बजे निकलना भी पड़ेगा अच्छा लग रहा है अपने दोस्त की शादी इन्जॉय कर रहा हूँ एंड कोई भी शादी इन्जॉय कर रहा हूँ आफ्टर सो लॉन्ग और रात में बहुत ज़्यादा नहीं सो पाया कल एंगेजमेंट थी और आज बारात फेरे और शादी है ऑल्सो एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ Because I'll not be able to do it. That is taking a bath in this bathtub. But hopefully soon Le Meridien. Do invite me for a review. Then I'll do the bathtub thing. And the view is just amazing from the room. Really sweet staff and chef. मैंने बोला कि मुझे fried idli खानी थी और मेरे सामने आ गई हाँ जी so we have a party freak and we have a traveler. We are having a discussion that this guy spends almost 10 lakhs per year on parties. And wastage. आपको अपनी पार्टी में मजा आता है I don't regret my parties. I was regretting for you कि तुम लोग बर्बाद करते हो हम लोग का मैंने स्पेंड वाइज या आई एम आल्सो सेइंग द सेम तो तुम्हें द धार्मिक पार्टी आई गिव हिम द ऑफर फॉर द फ्री गोवा ट्रिप डोंट लाइक बट व्हाई फ्री लिंक है आई गॉट द लिंक एंड आई विल शेयर विद माय फ्रेंड्स फ्राइडे बोलते जाएगा मैं बोल रहा था बात करा जो पैसे रही थी उसके बड़ा घबराना हुआ
भैया ने बहुत अच्छी पल बांधी और मुझे पता नहीं है टाइम निकलता जा रहा है मेरी फ्लाइट का टाइम है कि बारात अटेंड कर पाऊंगा या नहीं, बट फील तो ले ली बराती की और भैया से आपको पग बन मारी तो उनको बता दीजिए। 9582848058 एन के टर्बन के नाम से अपना इवेंट है दिल्ली में, ऑल इंडिया बोला था। तो अभी हालचाल कुछ ऐसा है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और दूल्हा अभी तक तैयार नहीं है, बारात का कुछ पता नहीं है। ये देखिए दूल्हे बारात आ चुकी है और दूल्हे के कार्यक्रम चल रहे हैं, मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो मैं बस मैंगो जूस पी के निकलूंगा, जल्दी से सब कुछ पैक करूंगा। इसी के साथ हिमांशु की शादी का इवेंट खत्म होने वाला है, मतलब मेरे लिए तो हो ही चुका है and it's time to leave. I hope कि आपने मेरे साथ enjoy करी हो हिमांशु की शादी, अगर करी हो तो please press the subscribe button, press the bell icon, press the like button and do not forget to leave your valuable comment. Well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it.